जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो अनुभव बताने वाला हूं, वो एक प्रकार से आप ये समझिए कि रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है, बहुत ही भयानक अनुभव, धनदा रतिप्रिया यक्षिणी साधना का। ठीक है, तो ये अनुभव मैं आपको बताऊंगा। ये एक मेरे व्यूअर का ही अनुभव है और इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताऊंगा कि कहां पर इन्होंने गलती की है और क्या हो सकता था इनके साथ। इसलिए वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, या वीडियो को छोड़ना मत। अगर आप आध्यात्मिक जगत में या फिर साधना के क्षेत्र में अगर आप उतरे हुए हैं, साधनाएं करते हैं, तो फिर बिल्कुल इसको आप मिस मत करना, क्योंकि ये वास्तव में ही इतना भयानक अनुभव है कि इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए, उन व्यूअर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको मिल जाए और उस वीडियो को वो देख पाएं। ठीक है, इसी प्रकार के मैं अनुभव भी और साधनाएं भी आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। देखिए, इन्होंने जो अपना अनुभव भेजा है वो मेरे पास अपने आप भेजा है, इनकी व्हाट्सएप से मुझसे बात हुई, तो इन्होंने एक जिज्ञासा की कि मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं और वास्तव में बहुत गजब का अनुभव है। तो देखिए, अब मैं वो अनुभव आपको शुरू करता हूं बताना कि वास्तव में इनके साथ में हुआ क्या। देखिए, इन्होंने कहा है साधना अनुभव रति प्रिया यक्षिणी का। गुरुजी नमस्ते। इनका नाम जितेंद्र कुमार है और ये कानपुर देहात के रहने वाले हैं। इन्होंने 2020 में साधना की थी, नवंबर 2020, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि जब वो साधना करने बैठे थे तो साधना में इन्होंने जो विधि में बताया गया था वो तिल का तेल बताया गया था, लेकिन इन्होंने गलती से तिल के तेल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल किया, जबकि सरसों का तेल जो इस्तेमाल होता है वो जो भयानक साधनाएं होती हैं या जो दक्षिणमुखी साधनाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि भैरव के जो साधना होती है उसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कड़वे तेल का, सरसों के तेल का। अब साधना में जो बताया गया था वो बताया गया था तिल का तेल, क्योंकि तिल का तेल मीठा होता है। और होता क्या है कि अगर आपके पास में घी ना हो तो आप शुद्ध तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने तिल का तेल इसमें बताया होगा। लेकिन ये साधना जो इन्होंने की, ये साधना मेरे चैनल से नहीं ली थी, क्योंकि मैंने किसी भी यक्षिणी की साधना अभी तक डाली नहीं है, तो इसलिए इन्होंने किसी और चैनल से साधना ली है या फिर किसी और व्यक्ति ने इनको बताया है। तो अब इन्होंने जब कड़वे तेल का इस्तेमाल किया तो यक्षिणी तो वैसे भी तीव्र होती है, तो और उसमें वो और भी तीव्रता आ गई क्योंकि कड़वे तेल का इस्तेमाल कर दिया, तो भाई वो डेंजर हो गई। फिर अब इस इनके सामने क्या हुआ, हालांकि पहले दिन में ही कोई भी अनुभव होता नहीं है, जब आप पहले दिन साधना करोगे तो किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन इनको पहले ही दिन अनुभव आ गया। वो इसीलिए आया क्योंकि इन्होंने कड़वे तेल का इस्तेमाल किया था, साधना को उल्टा कर दिया इन्होंने, जो साधना सात्विक चलनी थी वो साधना इन्होंने भयानक रूप से वाम मार्गी कर दी। अब इन्होंने क्या किया
कि जब इन्होंने दीपक लगा लिया और पहला ही दिन था तो ये कहते कि मेरे पास में मुझे ऐसा लगा कि कोई घूम रहा है, लेकिन मैंने उस साधना में सुलेमानी रक्षा मंत्र का घेरा लगाया हुआ था और ये घेरा इनका सिद्ध है। जब इन्होंने घेरा लगाया था तो शक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि उस घेरे के अंदर प्रवेश कर जाए वो, ठीक है। तो ऐसा लगा इनको कि इनके पास कोई घूम रहा है, ठीक है। अब ये आगे लिखते हैं कि कोई चीज बार बार, मतलब कि ऐसा लगता था इनको कि जैसे आसपास बहुत तेजी के साथ घूम रही है, और फिर इनको कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे कि पायल की आवाज भी आने लगी। लेकिन ये डरे नहीं, फिर इनको लगा कि जैसे कोई पास में घंटी बजा रहा है, तो थोड़ा डर जो इन्होंने इनको महसूस हुआ, लेकिन कुछ डर भी महसूस हुआ इनको, लेकिन ये इन्होंने अपने आप को संभाल लिया, ये संभल गए। अब इनको दो दिन हुए थे रात को साधना करते हुए, दो दिन बाद में, मतलब दो दिन बाद जैसे ये रात में सो रहे थे, इन्होंने लिखा है कि मैं रात में सो रहा था और उस वक्त में इनके घर में, मतलब सपने में इनको दिखाई दिया कि शादीशुदा कोई लड़की जो आई है और उसके साथ में कोई दो लेडीज, मतलब लड़कियां और भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने आगे लिखा है कि वो मुझे एक टक देख रही थी और फिर सुबह होते ही मेरे साथ कोई संभोग करने की कोशिश करती, मतलब कोशिश कर रही थी संभोग करने की उनके साथ में। ये सारा स्वप्न में हो रहा था, ठीक है। जब मुझे स्वप्न में, मतलब वो अपनी ओर खींच रही थी संभोग करने के लिए, और मैंने उसकी छाती में काट लिया। इन्होंने कहा कि जब वो संभोग करने के लिए अपनी तरफ खींच रही थी तो मैंने उसकी छाती में काट लिया, तो वो चिल्लाती हुई फिर भाग गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने लिखा है, जब उसने इन्होंने छाती में काट लिया तो तब उसके बाद मैं जग गया और मैंने देखा कि मेरे वस्त्र, जो वस्त्र हैं वो उतरे हुए हैं, मतलब कि ये सो रहे थे और सोते हुए ही इनके वस्त्रों को किसी ने खोल दिया, उतार दिया। अब आप समझ लीजिए कि कितना भयानक अनुभव है। और ये फिर सोच में पड़ गए कि भाई ये कैसे हुआ। और फिर चार दिन के बाद में, मतलब इन्होंने साधना लगातार करते रहे, चार दिन के बाद में देखा कि साथ में कोई सुंदर लड़की लेटी हुई है, इनके पास आकर के लेट गई वो रात में, जिस जगह ये लेटे हुए थे उसी जगह आकर के लेट गई, और इन्होंने करवट ली हुई थी तो इनके पीछे बैक साइड में आकर के वो लेट गई। और ये लिखते हैं कि वो मुझसे कहती है कि मेरी तरफ घूमो, मतलब कि मेरी तरफ करवट लो। मैंने कहा कि मेरा ब्रह्मचर्य चल रहा है, एक साइड हट जाओ। फिर वो प्यार से बोली कि घूमो ना, तो मैंने फिर उसको बोल दिया कि नहीं, मेरी साधना चल रही है, एक साइड हट जाओ आप।
फिर वो चली गई। मतलब कि ये भी कितना भयानक अनुभव है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में उसको ऐसा लगे कि उसके पास में कोई लड़की लेटी हुई है और वो भी कोई देवी है, तो फिर भाई उसकी तो चीख निकल जाएगी। ये आप समझ सकते हो कि ये यक्षिणी के अनुभव हैं, जो यक्षिणी साधना को आप कई बार कहते हो कि हमें यक्षिणी साधना करनी है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि यक्षिणी साधना बहुत तीव्र साधना है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि ये यक्षिणी साधना के अनुभव हैं। अब आगे क्या होता है, जिस इनको साधना करते हुए फिर 7 दिन हो गए, तो 7 दिन में सपने में एक लड़की नंगी अवस्था में आई है और उसने मौसम को उस तरीके से बनाया है, उस मौसम को, कि जैसे बारिश हो रही है। और इन्होंने कहा है कि हम दोनों अकेले हैं, और फिर उसने अपने कपड़े उतारे मेरे साथ संभोग करने के लिए और मुझे भी नंगा कर दिया। फिर उसने एक क्रीम दी, क्रीम निकाली, बोली कि इसको लगा लो। अब ये लिखते हैं कि फिर जो हुआ मुझे नहीं लगता कि वो बताना ठीक होगा। ये कि मेरे साथ धनदा यक्षिणी के अनुभव, जिसको कि इन्होंने पत्नी के रूप में संकल्प लेके इस साधना को किया था। और देखिए, इन सपने में इनके साथ वो संभोग कर गई है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके कितने भयानक अनुभव हैं, और इनको बीच में भी और भी भयानक अनुभव हुए, जो कि इन्होंने अभी मुझसे शायद एक दो अनुभव नहीं बताए हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखिए कि कितने भयानक अनुभव हैं। अब इन्होंने इसमें गलती 2 की हैं। एक तो इन्होंने साधना में जो दीपक लगाना था वो तेल का नहीं लगाना था, वो घी का लगाते या फिर तिल के तेल का ही लगाते। दूसरी इन्होंने गलती की है कि उसको पत्नी के रूप में इन्होंने संकल्प लिया है, जबकि इनको या तो मित्र या प्रेमिका के रूप में संकल्प लेना था। अब पत्नी रूप में संकल्प इनको बिल्कुल भी नहीं लेना था। अब देखिए, साधना इनकी बीच में रुक चुकी है, और ये साधना ऐसी होती है कि इस साधना को बीच में नहीं रोकना चाहिए, साधना को पूर्ण रूप से ही करना चाहिए, वरना फिर ये दिक्कतें खड़ी कर देती है। अब अगर इनकी शादी हो चुकी है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो ये है कि ये बचे हुए हैं, ठीक है। अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो ये इनकी शादी होने में भी दिक्कतें खड़ी करेगी। यही इस साधना का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि ये इनकी शादी को या तो होने नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने पत्नी के रूप में संकल्प ले लिया है और पत्नी एक ही हो सकती है। इस साधना में इन्होंने यहां पर गलती की है। अब अगर इनको दोबारा से, मतलब इस साधना को करना है, तो इनको दोबारा से करना होगा, और वो मित्र के रूप में करना होगा, इन्हें पत्नी के रूप में नहीं, मित्र के रूप में करो या प्रेमिका के रूप में करो। यहां इन्होंने ये गलती की है, तो वो गलती सुधर जाएगी और पूर्ण रूप से इस साधना को इन्हें करना चाहिए। ये साधनाएं बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, साधनाएं लगातार करनी चाहिए। और इनको इतने अच्छे अनुभव हुए हैं, तो दूसरा एक कारण और भी हो सकता है कि देखिए, इन्होंने बताया नहीं है मुझे, और शायद मैंने भी नहीं पूछा है कि इनके गुरु कोई हैं या नहीं है। अगर गुरु हैं तो ये गुरु कृपा रही है कि ये बच गए। अगर गुरु नहीं हैं तो फिर भी इन पर कृपा रही है, जो सुलेमानी इनका रक्षा मंत्र है, जिसको इन्होंने सिद्ध किया हुआ है, उसके कारण ये बचे हुए हैं उन अनुभवों में। लेकिन वरना ये यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं कि ये वास्तव में अगर तुमने गलती की तो ये मार डालती हैं, फिर ये छोड़ती नहीं है।
ये ऐसा रूप कर देती है साधक का कि वास्तव में ही ऐसा कर देती है कि आप तौबा कर जाओगे। और ये सारा प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आप देखोगे, साक्षात होता है ये, साक्षात जिसको बोलते हैं, आप देखोगे कि कोई चीज ऊपर उठ रही है या कोई चीज अपने आप दरवाजा बंद हो रहा है। आप देखोगे कि वास्तव में दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है ये? ऐसे ऐसे अनुभव, सामने कोई स्त्री साक्षात आकर के खड़ी हो जाएगी, ऐसे ऐसे अनुभव इसमें आते हैं, समझे? तो देखिए, ये जो इन्होंने साधना की है, अब संकल्प भी इन्होंने ले लिया और लास्ट में इनके साथ संभोग भी वो करके चली गई। हालांकि इनको साधना नहीं छोड़नी चाहिए थी, फिर भले ही वो संभोग कर गई है, इन साधनाओं को यही हाल होता है, इन साधनाओं में यही होता है, संभोग भले ही कर जाए, कुछ भी हो जाए, आपका वीर्यपात भी हो जाए, लेकिन साधना मत छोड़ना। फिर साधना करते रहो, जितना संकल्प लिया है उसको पूर्ण कर दो। इन कार्यों से या इन चीजों के होने से ये साधनाएं खंडित नहीं होंगी, ना ही होती हैं, क्योंकि उनका कर्म ही है, वो आई इसलिए है, करने दो, करने दो, कब तक करेगी? एक ना एक दिन फिर हार करके सामने आकर के खड़ा होना पड़ेगा उसको, कि ये तो मान ही नहीं रहा है, ये फिर भी साधना कर रहा है। भाई वो संभोग करके चली गई कि तुम सोचो कि साधना तुम्हारी टूट गई, तो वो उसको तो एक वो मिल गया ना, कि उसको एक रास्ता मिल गया निकलने के लिए। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप संभोग भी हो गया आपका, लेकिन आप फिर भी साधना कर रहे हो, तो अब क्या रास्ता है उसके लिए? अब वो रास्ता फिर बंद कर देगी संभोग वाला, कि भाई इस रास्ते से तो ये मानेगा नहीं, अब कोई दूसरा रास्ता सोचती हूं, तो वो संभोग वाला रास्ता फिर बंद हो जाएगा। तो इसलिए चाहे संभोग हो या ना हो, आप साधना को करते रहें, ठीक है? तो देखिए ये कितना भयानक अनुभव है और वास्तव में बहुत गजब का अनुभव है। तो इसलिए मैंने अपने जो भी व्यूवर्स हैं उनको ये सबको समझा दिया है कि ऐसे अनुभव भी होते हैं और ये अप्सरा साधनाओं में भी होते हैं, ठीक है? अप्सरा साधना, नायिका साधना, गंधर्व साधना या फिर यक्षिणी साधना, परी साधना, सब में ऐसे अनुभव आ सकते हैं। ये भी ये इस एक आपके लिए एक उदाहरण है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।